কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি কলকাতা ও শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের শিল্প গোষ্ঠীদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো একটি কর্মশালা। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি কলকাতা ও শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গের শিল্প গোষ্ঠীদের যৌথ উদ্যোগে আজ স্থানীয় পাইন ট্রি হোটেলে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মুখ্য ছিল দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় গ্রামীণ উদ্যোগী হাব তৈরি করা, গ্রামীণ যুবকদের উপযোগী করে তোলা এবং গ্রামীণ এলাকায় যে সমস্ত রসদ রয়েছে তা ব্যবহার করে শিল্পোদ্যোগী তৈরি করা। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই কর্মশালাটি সম্পূর্ণ হয়েছে। উপস্থিত ছিল শ্রী সঞ্জয় টিব্রিয়াল, কনফেডারেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ শাখা ডক্টর এ আর খান, জেলা শাসক এস পুলাম বল্লাম, আইএএস রাজ বসু, এল টি ভুটিয়া জেনারেল ম্যানেজার ডিআইসি দার্জিলিং, কলকাতা কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি শ্রীমতী লক্ষ্মী লিম্বু কৌশল, এছাড়াও বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী। এই কর্মশালায় প্রদর্শিত হয় স্থানীয় কৃষি উৎপাদন সামগ্রী। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और सीआईआर करते हैं अलॉन्ग विद जीटीए, जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हब है। तो आज जितने भी आपने देखा जो विजिटर्स थे, डेलीगेट्स थे, वो सब अपना अपना लोकल प्रोडक्ट्स जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स हो, लास्ट कार्डमम हो, टर्मरिक हो, जिंजर हो, झाड़ू हो, हनी, इन लोग को लेके उन लोग अपने आप प्रमोशन के लिए मार्केट लिंक जिसके लिए आ जाए हैं। तो आज था हम लोग का अमेजन भी था, स्पेंसर भी थे, लॉट ऑफ बायर्स वे देयर, जो लार्ज कॉटन बायर्स थे, सॉफ्ट वुड के बायर्स, तो उन लोग के साथ हम लोग बी टू बी बायर सलामीट और बिजनेस लिंकेजेस उन लोग के साथ कराया कि किस ढंग से बिजनेस मॉडल में ये आर्य चला सकते हैं फ्रॉम एग्रीगेटर टू दी मेन बायर फॉर द मार्केट लिंकेजेस। सेकेंड इज हम लोग दो सक्सेस स्टोरी भी लाए जो लोकल, जब पैंडमिक के समय पे जो बाहर में जो काम करते थे हिल्स के यूथ, वो वहाँ यहाँ आके विद इन 2.5 ईयर्स अपना एस्टैब्लिश किया है। एक तो था रिम्बिक फ्रेश मिंगमा शेरपा और दूसरा है डिसाइबल का मोनीश लामा जो अपने डल्ले के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, और मिंगमा शेरपा जितने भी गाँव के वेजिटेबल्स हो, प्रोडक्ट्स हो, वो उसको एग्रीगेट करके एक उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो गाँव के लोगों को देखे मार्केट लिंकेजेस के लिए। सो आज हम लोग हमारे बीच में बहुत सारा सीआई की इंडस्ट्री मेंबर्स वगैरह भी थे जिन्होंने ये बोले हैं कि मार्केट लिंकेजेस और कितना कितना प्रोडक्ट्स है उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, मेंटरिंग करेंगे और हैंड होल्डिंग सपोर्ट। सो ये मेन एक एजेंडा था हम लोग का विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड सीआईआई मिलके, ये एक आरईएच का इनिशिएटिव था। और बुंदरी बाजार जो है एक दो यूथ्स मिलके किया है, विक्रम राय विक्रम फाउंडेशन और मोनीश लामा डिसाइबल, इन लोगों ने क्या किया कि जो भी यूथ्स बाहर से आए हैं 40-50 एंटरप्रेन्योर्स को स्टॉल दे के उनका लिंकेजेस करा के बेसिकली अपना स्टॉल को एग्जीबिशन करके, ये एक इनिशिएटिव रहा है जो यूथ्स को प्रमोट करने के लिए, यूथ्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें सीआईआई भी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। स्पाइस स्पोर्ट दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग हिल्स में एलआईसी का डेवलपमेंट स्कीम्स है, डी प्लांटिंग स्कीम है, नर्सरी स्कीम है, इरीगेशन स्कीम है, मॉडिफाइड बटिका स्कीम है, देन गार्डमन ड्रायर का स्कीम है, वर्मी कंपोस्ट का स्कीम है। हमको ऑफिस कालिम्पोंग में असिस्टेंट डायरेक्टर डिविजनल ऑफिस है एंड सुकिया बकरी में फील्ड ऑफिस है, फार्मर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हब मेंबर्स कैन अप्रोच देम डायरेक्टली एंड द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू इम्प्रूव द वैल्यू एडिशन क्वालिटी ऑफ द लार्ज कार्डमम बाई साइंटिफिकली ड्राइंग कार्डमम। So that is very important, and we promote the group concept, producer groups, FPOs, farmer producer organizations, self-help groups, and they should market directly. They should aggregate and directly market whatever the spice, ginger or turmeric or large cardamom, and we are ready to connect with the buyers across the country so that they directly sell and improve the value chain of the large cardamom or other spices. So we... Yeah. What is the participation of the farmers? Kalimbang area, a lot of farmers. We contact a lot of farmers. We implement a lot of schemes to the farmers in Lava or Tode Tangta or Cafe. So lot of areas we are doing. This area also we are going for the Chotakata or Barahata area. A lot of areas are there. We need to work. If the farmers groups are coming up, we are ready to work more.
Is there any success story from the farmers? Yeah, a lot of success story. The Toray Tractor success story is the Vigas of the Latskaram. I remember I worked in Kalimpong 2011-14. At that time itself, Toray Tractor is successful. Now the Industrial Cooperative Society supported by, is technically also, we have also supported in identifying the dryer and all. So that way we supported that. It's a very good success story that should be replicated and that should be done in other areas also. আমরা এখানটায় আজকে মেনলি দার্জিলিং যে মিটিংটা করছি এটা আরইএইচ নিয়ে করছি, রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব। এই রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব যেটা, সেটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটাকে শুরু করা হয়েছিল এবং এটাকে আমরা সিআইআর তরফ থেকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে পেরেছি এবং সেখানে যে বিভিন্ন আরইএইচগুলো তৈরি হয়েছে, যে গ্রুপগুলো তৈরি হয়েছে সেখানে বিশেষ করে আমাদের ফুলঝাড়ু, তারপরে আমাদের লাচ কাডেমাম মানে বড় এলাচ, এই ধরনের, তারপরে হানি মানে মধু, এই ধরনের জিনিসের উপরে ইনিশিয়ালি বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, যেগুলো ইজিলি অ্যাভেলেবেল এবং যেটা একটা ভালো মার্কেট আছে, তারা যাতে আরও বেটার মার্কেট পেতে পারে সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা অনেকটাই করতে পারছি। আজকের মিটিংয়ে আমরা অনেক বায়ার এবং অনেকগুলো আরইএইচ গ্রুপকে একসাথে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং আমরা মনে করছি যে আগামী এক বছরের মধ্যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ রেজাল্ট আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের হিল ডিস্ট্রিক্টগুলোর জন্য আমরা দেখাতে পারবো এবং সেখানটায় পাহাড়ের যারা ফার্মার আছে, পাহাড়ের যারা ক্রাফটের সাথে যুক্ত আছে, পাহাড়ে যারা বিভিন্ন সেমি ফিনিশ করে প্রোডাক্টস তৈরি করছে গ্রামে গঞ্জে, তাদের প্রত্যেককে আমরা এই আরিশিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সুবিধাগুলো আমরা করে দিতে পারবো এবং আমরা শুধু লোকাল মার্কেট নয়, আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একটা জায়গা করে দিতে পারবো তাদেরকে। আচ্ছা, দার্জিলিংয়ে আপনাদের জুরিডিকশনটা কতটা? আমাদের এন্টায়ার দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এটার আন্ডারে আসছে। যথেষ্ট পরিমাণ রেসপন্স আমরা খুব ভালো পাচ্ছি অলরেডি। আপনারা যেরকম দেখবেন যে এখানে 35টার উপরে আরইএইচ গ্রুপ শুধু দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকেই অ্যাভেলেবেল আছে এবং সেখানে কালিম্পং নতুন ডিস্ট্রিক্ট হওয়াতে সেখানেও অনেকটা জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই এন্টায়ার হিল ডিস্ট্রিক্টগুলোর উপরে কিন্তু প্রত্যেকটা ইউথ, বিশেষ করে যারা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ফিরে এসছে বিভিন্ন শহর থেকে, তাদের জন্য এটা একটা ভালো স্পেস তৈরি হয়েছে। তার মানে আপনারা এটা চাকরির বিকল্প হিসেবে ধরে নিচ্ছেন? আমরা নিশ্চয়ই নয়, এটা আমরা যার জন্য এন্টারপ্রেনারশিপ ভাব বলছি। আমরা প্রথম থেকেই গ্রামের মানুষ যে শুধু মানে তারা চাষি হিসেবে থাকবে, তারা শুধু মানে বাড়ি বানাবে এইটুকুর মধ্যে তাদেরকে সীমাবদ্ধ না রেখে তারাও যাতে এন্টারপ্রেনার হতে পারে, তারাও যাতে ইকুয়াল প্ল্যাটফর্ম সারা পৃথিবীর সাথে শেয়ার করতে পারে, তার বন্দোবস্ত কিন্তু আরিয়ে আছে। মানে সিআইআই ইন্ডাস্ট্রি কে সাথ সাথ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কা ভি কাম কর রহে হ্যায়। यहाँ के सी आई आई का मकसद यही है कि जो फार्मर है जो हील के, उनको कैसे बेसी पैसा मिल सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण इलाका से जो फार्मर है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्टर या बड़ा बायर से कनेक्ट करवा देते हैं, उससे उनको बड़ा पैसा, उनको बेसी पैसा मिल सके। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का एक तो प्रोग्राम है आरईएच, इसमें क्या होता है कि 20 फार्मर को लेकर जो एक प्रोडक्ट बनाता है उसको लेकर एक कोऑपरेटिव बनाया जाता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस कोऑपरेटिव को उस प्रोडक्ट का क्या क्या सामान, क्या क्या वो उसमें बना सकता है, उसके लिए उसको मशीन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोगों का लार्ज काडामो है, उस लार्ज काडामो के लिए ड्राई मशीन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कालिम्पोंग में दी थी 16 लाख। अभी जैसे आपका झाड़ू है, उसके ड्रायर कोऑपरेटिव बनने के बाद उसको सरकार क्या करेगी, उसको फ्री कॉस्ट में वो ड्रायर मशीन प्रोवाइड करेगी। अब सीआईआई क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्ट लिंकेज करवा देगा। जैसे आप देखेंगे अमेजोन से हमारे बात हुआ है, स्पेंसर कार्नी है और बड़े बड़े मार्केट है, हम लोग ये काम हम लोग सीआईआई करते हैं जिससे फार्मर को अधिक से अधिक पैसा मिल सके और लाभ कर सके। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स को डबल इनकम जो बोल रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि कृषक को डबल इनकम करने के लिए जो जो स्कीम है उस स्कीम में पड़ रहे हैं? नहीं, ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का, हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ये स्कीम है, यह राज्य सरकार का स्कीम है, यह राज्य सरकार इसको पूरा स्टेट गवर्नमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट विथ डीआईसी और यहाँ पर दार्जिलिंग में जीटीए इससे मिलकर देती है। ये एमएसएमई डिपार्टमेंट राज्य सरकार का स्कीम है, ये ममता बनर्जी ने ये आरईएच का प्रोग्राम किया है। अच्छा,
ये ज्यूरिडिक्शन कितना है? ये पूरा बंगाल में है। अभी हम लोग हील के लिए यहाँ पर बैठे, हील के लिए कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरी है कुछ? पूरा सक्सेस है आपका। तोदे तानांग में जो इलायची था, वो पहले क्या था, कम दाम में बिकता था। 150 रुपया अधिक दाम में उसको ड्रायर से करने से बिक रहा है, उससे कलर थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है। तो ये पूरा सक्सेस है, कॉस्टिंग कम आ रहा है।